खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज कॉलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस। ध्यान से देखिए आप, कॉलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है ना? समझ लीजिए आप, इक्वेशन पे से मैं आपको इसका स्टेटमेंट समझा देता। मैं यहाँ पर लिखा लैम्ब्डा इन्फिनिटी और ये इक्विवेलेंट लैम्ब्डा ई, लैम्ब्डा इन्फिनिटी पॉजिटिव केटा एन प्लस लैम्ब्डा इन्फिनिटी और ये रहेगा एन आर एन। थोड़ा ध्यान से देखिए आप, ये भी लैम्ब्डा है, ये भी लैम्ब्डा, ये बड़ा लैम्ब्डा और ये छोटा, ठीक है ना? ये क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ केटायन और ये है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। ध्यान से देखिएगा, लैम्ब्डा ई इंफिनिटी या फिर जीरो लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, एट काय पर रहेगा इनफिनाइट डायल्यूशन, है ना? इनफिनाइट लगाएंगे एट इनफिनाइट डायल्यूशन, ठीक है। लैम्ब्डा ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ केटायन और लैम्ब्डा इन्फिनिटी नेगेटिव, ठीक है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन आयन। ध्यान से देखिएगा, ये केटायन के लिए, एन आयन के लिए, ठीक है ना? समझ लीजिए पहले इस फॉर्मूले पे से मैं आपको इसका स्टेटमेंट समझा देता हूं, ठीक है। द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। ये आपको याद करने का काम नहीं, यहां से आपको स्टेटमेंट समझ में आना। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आते कि एक्सप्लेन कॉलरॉस लॉ विद एग्जांपल, तो एग्जांपल समझाता है फिर बाद में इसका एप्लीकेशन। द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है ना, ये हो गया द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, एनी इलेक्ट्रोलाइट मीन्स यहां पर हम देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या फिर मोलार कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का डिटरमाइन कर सकते हैं, चाहे तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट काय पर है, ये इनफिनाइट डाइल्यूशन, इनफिनाइट डाइल्यूशन काय के इक्वल बताए, इज द सम ऑफ, इज द सम of बराबर is the sum of equivalent conductivity of positive that is equivalent conductivity of cation and the anion that is Kolros law। लेकिन ये कहा equivalent conductivity के लिए, ठीक है, बस कुछ नहीं याद रखना आपको, ये फॉर्मूला याद रखने का, क्या लैम्ब्डा है ना ई एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द लैम्ब्डा केटायन प्लस लैम्ब्डा एनायन है ना, और ये रहेगा इनफिनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी देखिए आप, लैम्ब्डा एम इनफिनाइट इज इक्वल टू द लैम्ब्डा इन्फिनिटी केटायन प्लस लैम्ब्डा इन्फिनिटी एनायन, कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस। ध्यान से देखिएगा इसका स्टेटमेंट कैसा है, लैम्ब्डा एम क्या था, मोलर कंडक्टिविटी लैम्ब्डा एम है ना इनफिनिट मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है ना, एट कहां पर है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना, फिर जीरो कॉन्सेंट्रेशन एक ही मीनिंग होता, और छोटा लैम्ब्डा यूज किया हमने, इनफिनिट क्या रहेगा केटायन, तो मोलार कंडक्टिविटी है ना, यहाँ पर मोलार है जिससे मोलार यूज करेंगे, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ केटायन
और लैम्बडा नेगेटिव इन्फिनिटी है ना, इन्फिनाइट डायमेंशन सेम रहेगा सभी में, ठीक है ना। मोलार कंडक्टिविटी ऑफ किसका, एनायन का, एट इन्फिनाइट डायमेंशन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया अपना, क्या यहाँ पर हमने केटायन प्लस एनायन किए, ठीक है ना। तो देखिए द मोलार कंडक्टिविटी, यहाँ मोलार है और ऊपर क्या था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बराबर है। एक तो आप यहां पर इन्फिनाइट डाइल्यूशन बोलो या फिर जीरो कॉन्सेंट्रेशन, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ, बराबर है, इज द सम ऑफ, ठीक है, इज द सम ऑफ किसका बोलिए, आयोनिक है ना, आयन ही, आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड द एनायन, आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ द केटायन एंड द एनायन प्रेजेंट, हाँ एनायन, द नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन यूनिट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यूनिट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखा के दिया, ठीक है, आप इसको पॉज करके पहले जल्दी नोट कर लो, फिर इस टॉपिक को मैं डिटेल समझाता कि मोलार कंडक्टिविटी हम कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। बाद में उनका रिलेशनशिप जो इससे पहले पढ़ ली हम, देखिए द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड द एनायन, दोनों का सम। यहां पर भी केटायन और एनायन का सम है, लेकिन यहां पर आयन यूज करेंगे हम, यहां पर क्या यूज किया हमने, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। देखिए द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन, है ना, केटायन एंड एनायन आर द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन यूनिट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आई थिंक और ऐसी उम्मीद है, आई होप क्या ये स्टेटमेंट आपको 100% समझ में आ गया होगा, नहीं कुछ तो समझ में आया होगा, लेकिन ये तो आपको 100% समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप खुद स्टेटमेंट इसका बना सकते हैं, ये मोलार कंडक्टिविटी है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ये मोलार कंडक्टिविटी है, फिर आयनिक कंडक्टिविटी है ऑफ केटायन एंड ये एनायन, बस सेम, एक याद कर लो दूसरा आपको 100% याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन निकालेंगे कैसा, है ना, ये दोनों के लिए यूज करते हैं हम, चाहे तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। चलो जल्दी नोट कीजिए आप, हाँ हो गया, ठीक है। देखिए ये क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और यहां लिखिए हमने मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है ना। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी, थोड़ा क्लीन दिखना चाहिए, दिखाओ डबल साफ। देखिए पहले मोलार कंडक्टिविटी समझ लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा ऐसा, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, तो सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ केटायन मतलब किसका, Na प्लस प्लस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, और एनायन क्या है यहां पर, सर एनायन यहां पर Cl नेगेटिव, समझ में आया क्या, NaCl मतलब क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का सम मोलार कंडक्टिविटी। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन दैट इज BaCl2 का निकालते हैं, क्या हो जाएगा, सर हम यहां पर लिखे लैम्डा m
इन्फिनाइट कैटायन सर इसमें बी ए डाइपॉजिटिव क्योंकि प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, प्लस लैम्डा नेगेटिव इन्फिनाइट सी एल निगेटिव, बट वी नो दैट सर, है ना, क्या सी एल पर यहाँ पर सी एल कितने सर दो है, तो इसको हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर ना, मतलब यहाँ पर क्या है, क्या ये जो केटायन और एनायन रहेंगे इसको मल्टीप्लाई करना है इसके आयन से, ठीक है ना, समझ में आ गया, लिख सकते हैं आप इसको मॉडिफाई करके ऐसा, देखिए क्या द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ, है ना, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोएफिशिएंट, है ना, प्रेजेंट इन आयन एंड द फॉर्मूला यूनिट इज वन, लिख सकते हैं आप जिस टाइप से लिखना चाहिए लिख सकते हैं, जो बोला भाई वो लिखो, पहले वाला जो स्टेटमेंट लिखा के दिया वो लिखो, सभी करेक्ट है, ठीक है ना, यहां तक की समझ में आ गया, हाँ सर, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं क्या Al2SO4x3 एल्युमिनियम सल्फेट के लिए, सर कैसे लिखेंगे हम एल्युमिनियम सल्फेट के लिए, तो हम एक काम करते हैं लैम्डा एम लगा दिया यहाँ पर और ये इनफाइनाइट है, हाँ सर, कैसा हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा लैम्डा एम, ठीक है, लैम्डा एम इनफाइनाइट Al+3 केटायन प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट, है ना, SO4 डाइनेगेटिव, ऐसे टूटेगा ना, हाँ सर, तो यहाँ पर Al के कितने मोल है, दो, दो से मल्टीप्लाई करती है, यहाँ पर कितने मोल यूज करेंगे, तीन यूज करेंगे ना, क्योंकि एक का प्लस थ्री, दो का प्लस सिक्स और एक का माइनस टू, ऐसा न्यूट्रल हो जाएगा, तीन का माइनस सिक्स, ठीक है, तो तीन से मल्टीप्लाई करती है, समझ में आ गया क्या आपको, फोर्थ वाला देखिए आप, क्या लैम्डा एम इनफाइनाइट किसका निकाल रहे हैं सर, AlCl3 का, कैसे निकालेंगे, हाँ लैम्डा एम इनफाइनाइट Al+3 प्लस, ठीक है, थ्री लैम्डा एम इनफाइनाइट और Cl नेगेटिव, समझ आ गया, तीन से की मल्टीप्लाई की मल्टीप्लाई बाय इट्स कोएफिशिएंट, समझ गया आपने, अब ये तो मैं समझता हूँ कि आपको मोर देन सफिशिएंट एग्जांपल दे दिए हमने समझाने के लिए, ठीक है ना, यहां देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एक फॉर्मूला ये भी पढ़े हमने, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई इज इक्वल टू एक्स, प्रूफ किए थे ना, अभी इसका काम नहीं है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर आ जाते हैं, देखिए मान लीजिए मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल रहा हूं लैम्डा ई इनफिनाइट NaCl की, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Na+ प्लस लैम्डा एम, है ना, इनफिनाइट एट Cl निगेटिव, है ना, एट इनफिनाइट है, तो याद होगा आपको क्या इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं हम, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स, है ना, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, है ना, अपॉन एक्स, पर यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास तो नहीं दिया इसका, मान लीजिए आप इसको Na पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, Na पॉजिटिव अपॉन एक्स, और एक्स कितना चार्ज है इसमें, एक्स रहता है याद होगा आपको वैलेंसी फैक्टर, इसको मैंने एक स्पेशल लेक्चर बनाया इक्विवेलेंट वेट पर, जो हमारे सारे यूट्यूब के लेक्चर का सबसे बड़ा लेक्चर है, 2 घंटे 2 मिनट और कुछ सेकंड का, ठीक है ना, तो उसमें मैंने हर पॉइंट एक्सप्लेन किया इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड टॉपिक, ठीक है ना, तो यहाँ पर इतना समझ लो कि केटायन का चार्ज है फिर एनायन का चार्ज, एक्स क्या रहता है टोटल चार्ज ऑफ केटायन और एनायन, ठीक है ना, तो कितने केटायन का चार्ज, एक तो अपॉन वन कर देंगे हम तो आंसर वन ही आएगा, यहाँ पर अपॉन वन कर देंगे, है ना, वन बाय वन तो वन ही आ जाएगा, ठीक है सर, एग्जाम्पल करो, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप, क्या लैम्डा ई इनफिनाइट, है ना, बी ए सी एल टू गिव्स बी ए डायपॉजिटिव प्लस ट्वाइस सी एल नेगेटिव, बराबर है ना, इसका कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज ऑफ केटायन और एनायन, ठीक है ना, तो लैम्डा ई इनफिनाइट कितने मोल है, एक कितना चार्ज है इसका, दो, तो बाय टू कर देंगे, यहाँ चार्ज कितना है इसका, वन है, ठीक है ना, एक तो केटायन का चार्ज यूज किया फिर एनायन, लैम्डा ई इनफिनाइट, है ना, सी एल निगेटिव डिवाइडेड बाय वन, क्योंकि चार्ज इसका वन है, एक तो टोटल चार्ज ऑफ केटायन ले लो या फिर एनायन, ये एनायन का जो चार्ज दिख रहा है आपको केटायन का या फिर एनायन का, ठीक है ना, चलिए देखिए, तो ये तो आपको थोड़ा समझ में आ गया ही होगा, ठीक है,
जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहां से आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्या रियल क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पॉज करके नोट कर लो, बहुत टाइम पास हो गया इसका। ये देखिए दो मेथड बताने वाला हूं मैं आपको, केटायन और एनहांसर डायरेक्ट इक्वेशन बना के मेथड हम मतलब इसको 10-15 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन आपको अज्यूम भी करना रहेगा और डायरेक्ट केटायन और एनहांसर में दोनों में एग्जांपल लेके आपको क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन समझाते था कैसे टॉपिक है। देखिए हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन है द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ, ठीक है, द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NaCl कॉमा KCl, ठीक है, एंड KBr आर 126.5 कॉमा 150 एंड 151.5, ठीक है ना, C1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है, इक्विवेलेंट इनवर्स द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टर्स फॉर द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस फॉर Br नेगेटिव, द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टर फॉर Br नेगेटिव इज 78, ठीक है, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, द लिमिटिंग आयनिक है ना कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव आयन विल बी, तो यहां पर आपको Na पॉजिटिव आयन का आयनिक कंडक्टेंस निकालना है। चलिए पॉज करिए, पॉज कीजिए आप और सॉल्व करो उसको, फिर मैं समझाता। देखिए यहाँ पर दिया आपको NaCl, KCl, उसके बाद में KBr एटसेट्रा, ठीक है ना, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी थी। थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इन सभी का वैलेंसी 1:1 है, एक से डिवाइड करेंगे मतलब कुछ इफेक्ट नहीं होगा, है ना, मोलार कंडक्टिविटी अपॉन एक्स, ये पढ़े ना अभी, मोलार कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एक्स, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना रहा तो मोलार कंडक्टिविटी अपॉन एक्स, और एक्स कितने है 1 है, 1 से डिवाइड करने पर सेम आंसर रहेगा। देखिए मैं यहां लिखता लैम्डा है ना ई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NaCl है ना इज इक्वल टू कितना है यहां पर NaCl, मतलब ये आपको क्या चाहिए इसको हम डिटेल पढ़ लेते हैं। सर ये बता रहा है Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा ई इंफिनिटी है ना Cl नेगेटिव, इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सर इसने बताया यहां पर 125.6 है ना सीमा सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है ना। सेकंड है लैम्डा ई इनफिनिट, क्या है यहां पर KCl है इज इक्वल टू लैम्डा ई इनफिनिट है ना, तो K पॉजिटिव प्लस बोलिए लैम्डा ई इनफिनिट Cl नेगेटिव कितना है यहां पर 150, ठीक है, और थर्ड वाला है इसमें लैम्डा ई, ठीक है, इन्फिनाइट के बी आर इज इक्वल टू के बी आर बताया आपको, तो लैम्डा ई इन्फिनाइट के पॉजिटिव, हाँ सर, प्लस लैम्डा ई इन्फिनाइट है ना सी एल नेगेटिव इज इक्वल टू 151.5। पहले मैं आपको बहुत ट्रेडिशनल मेथड बता रहा, बाद में इसका हम शॉर्ट ट्रिक समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ पर तो लॉन्ग ट्रिक्स ही यूज करेंगे क्योंकि इसमें सेपरेट सेपरेट केटायन और एनायन दिया। देखिए एक काम करो आप, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3, हाँ सर मान लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिए क्या यहाँ पर आपको इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ रहा, बराबर है, और दिया किसका
ये है सॉरी बी आर वाला, बी आर निगेटिव इसका दे दिया। कैसा आप यूज करेंगे, क्या ये और ये कंबाइन होना, फिर बाद में हम के बी आर में से मतलब एन ए बी आर हम तैयार करेंगे, फिर उसमें से निकालेंगे हम एन ए पॉजिटिव का कंडक्टिविटी। ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, ये इक्वेशन नंबर वन है ना, और ये इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, इक्वेशन नंबर वन को हम मल्टीप्लाई करेंगे वन से और टू को करेंगे माइनस वन से। देखिए इक्वेशन नंबर वन मल्टीप्लाई बाय वन, ठीक है ना, और प्लस कर देंगे इक्वेशन नंबर थ्री, चलो वन से मल्टीप्लाई होता वही रहेगा बराबर, और माइनस कर दे, हाँ इक्वेशन नंबर सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस वन से। थोड़ा सा देखो आप, एन ए पॉजिटिव सेल निगेटिव 126 आ गए, इसको हम मल्टीप्लाई किए माइनस वन से तो ये माइनस के हो जाएगा और ये माइनस सी एल। सोचो थोड़ा सा, तो माइनस सी एल और प्लस सी एल ये कैंसल चलेगी, अब यहां पर क्या बचा, माइनस के है ना, माइनस वन होगा ना और ये प्लस के कैंसल, क्या बचता है इसमें, एन ए पॉजिटिव और बी आर निगेटिव, बराबर है ना, समझ में कैसे किया, मतलब इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन में आपको दिया है 126.5 प्लस, ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड 151.5 और माइनस करना है आपको इक्वेशन नंबर सेकंड, ये बोला मैंने आपको माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड कितना है सर, यहां पर ये है 150। ठीक है, तो यहां किसका निकालेंगे आप, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनएबीआर, मोलर सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनएबीआर ऐसे हो रहा ना, इज इक्वल टू, ये है ना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनएबीआर इज इक्वल टू। ठीक है, यहां पर बच रहा 1.5, हाँ सर 1.5 ये कितना होगा 128, तो 128, बस हमारे पता है कि लैम्डा ई इनफिनिट एन ए बी आर इसका मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको फील करवा रहा था, बाद में इसका शॉर्ट टेस्ट भी मार सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर लैम्डा है ना और केटा एन क्या है इसमें, ई एन ए पॉजिटिव इनफिनिट प्लस लैम्डा ई इनफिनिट बी आर नेगेटिव, निकालना है आप यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन ए पॉजिटिव इज इक्वल टू, तो एन ए बी आर कितना है सर, यहाँ पर एन ए बी आर आ गया 128 माइनस बी आर नेगेटिव कितना है 78, कितना है 78, बस हो गया, कितना आंसर आ जाएगा इसका 50, सर सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, फील हो गया आपको टॉपिक, किसका बोला था आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने का, बोलो एन ए पॉजिटिव, समझ में आया कैसे गेस कर देंगे इसको, मतलब इक्वेशन नंबर वन फर्स्ट और सेकंड को हमने कंबाइन की जो हमारे लिए रिक्वायर्ड था, ये रिक्वायर्ड नहीं थे इसको माइनस कर दिया हमने, तो ये सी एल सी एल चला गया, के पॉजिटिव के है ना प्लस के माइनस के चला गया, प्लस सी एल माइनस सी एल सारे चले गए। ठीक है ना, क्या बचा एन ए पॉजिटिव बी आर नेगेटिव, इधर लाने पर आंसर आ गया इसका है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एन ए पॉजिटिव आयन इज कितने 50 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, लिखें, अब मैं इतना लंबा और ऐसा ट्रेडिशनल मेथड से नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको इक्वेशन बना के फील करवाऊंगा कि रियल इसको करना कैसा है। यहां पर तो आयन के फॉर्म में दिया था आपको, ठीक है, अब यहां से शॉर्टकट्स यूज करेंगे, लिखिए क्वेश्चन, लिखे हाँ क्वेश्चन है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, द मोलर कंडक्ट
कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ए बी थ्री कुछ भी दे सकता हूं आपको। कितना दे दिया इसका सर, यहां पर मोलर कंडक्टिविटी दे दिया इसने, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ए बी थ्री इज, ठीक है, ए बी थ्री का यहां पर मोलर कंडक्टिविटी दे 150 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आगे। इफ इट आयनाइजेस एज, इफ इट आयोनाइजेस एज ए बी थ्री गिव्स ए प्लस थ्री प्लस थ्राइस बी नेगेटिव, इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल बी, इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल बी, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखिए मोलार कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एक्स, मोलार कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एक्स एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी अपॉन एक्स। मोलार कंडक्टिविटी कितना दे दिया यहाँ पर सर, 3 दे दिए, 150 दे दिया है ना, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है ना, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या दे दिया यहाँ पर, कितना चार्ज यहाँ पर, एक तो के टाइम का फिर एन आइन का टोटल चार्ज कितना है 3। सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 50 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, इक्विवेलेंट इनवर्स बराबर ना, इसका यूनिट है इक्विवेलेंट इनवर्स, इक्विवेलेंट बराबर। तो यहां तक के समझ में आ गया आपको, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, अगला क्वेश्चन देखो। नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा सॉल्व करेंगे हम, एकदम आसान तरीके बताया था इसका, सिंपल मेथड। ये कितना है
149.7 यूनिट रिस्पेक्टिवली कर लेने का, ठीक है। उसके बाद में है ना सीमेंट है, होगा मिनर सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये कितना है, ये है 126.5 सॉरी 248 ना, हाँ 248.1 126.5 और ये निकाल है। देखिए एक ये मेरा मेथड ऐसा है क्या NH4Cl एक अज्यूम का रिस्पॉन्स, अच्छा NH4Cl का रिएक्शन किसके साथ में करेंगे, क्या ये तैयार हो, बोलिए NaOH के साथ में है ना, अज्यूम कर लो आप ऐसा, ठीक है ना। और क्या तैयार हो रहा है इसमें सर, यहाँ तैयार हो रहा NH4OH प्लस NaCl, एक ही मेरा मेथड है समझाने के हिसाब से, तो शॉर्टकट में जल्दी हो जाएगा। अब देखिए इसको आप प्रोडक्ट मानो, ये रिएक्टेंट है ना, निकालना क्या है आपको NH4OH, तो मतलब ये दोनों को सम करके इसको माइनस करने गए, ये रिजल्ट पे पहुँचते ना, क्या करने गए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बता दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बता दो, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या करने हैं यहाँ पर, इक्वेशन NH4Cl के ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकंड इसको कंबाइन करके थर्ड को माइनस करने गए, उससे क्या निकल जाएगा, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH एट इनफिनिट डाइल्यूशन, सो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH, NH4OH मतलब कैसे रहेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव है ना, इज इक्वल टू, ये मेथड समझ में आया कि आप इक्वेशन बना के, हाँ देखिए कितना है 149.7 है ना प्लस 248.1 ठीक है माइनस, ये कितना है 126.5 ठीक है ना, सो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH ये आएगा 271.3 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, बराबर है ना, कैसे करेंगे ना 149.7 और 248.1 आठ है ना, यहाँ 17 9 है ना, और ये 3 माइनस कितना है 126.5 ये 3 1 7 बराबर 271.3 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, समझ में आया आपकी मेथड सेम है, ठीक है। चलिए जल्दी नोट कीजिए अगला क्वेश्चन, बस अब मैं इसी मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कराते जाऊंगा और आप प्रैक्टिस कीजिएगा खुद, जब तक कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कि हमारा डाउट और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, ठीक है इसका आप लोगों मोलर कंडक्टिविटी निकालने का है एट है ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कहां पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इफ है ना यहां दिया आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaI कॉमा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 एंड मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaNO3 रिस्पेक्टिवली 126.9 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना, उसके बाद में है 133.4 ओहम इनवर्स है ना सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोलार कंडक्टिविटी दी इसके कर, और ये दे दिया आपको 121.5 ओहम इनवर्स है ना सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, कंपाउंड वॉल्यूम चाहिए, AgI का मोलार कंडक्टिविटी चाहिए एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, ये देना आपको
मोलार कंडक्टिविटी ऑफ ए जी आई एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। हम एक काम करते हैं ए जी आई, है ना, मतलब क्या कंबाइन करेंगे हम, क्या ए जी आई तैयार होगा, बोलिए सोचो थोड़ा सा। इसको इक्वेशन नंबर वन बता दो, इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर थर्ड। सर एक काम करेंगे इसको इसको कंबाइन कर देंगे, हाँ बोलिए एन ए आई, है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकंड बराबर है और माइनस थर्ड कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर वन में क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर, बोलिए एन ए आई, है ना, प्लस बोलिए ए जी एन ओ थ्री है सर, ग्यूस ए जी आई है प्लस एन ए एन ओ थ्री। समझ आया कैसे किया हमने, कुछ भी नहीं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दिए और ये इक्वल टू इधर आ जाएगा तो इसको माइनस कर देंगे, मतलब इक्वेशन नंबर थर्ड को माइनस कर रहे हैं, बहुत ईजी। देखिए सो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ, है ना, ए जी आई एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो ये कितना है 126.9 प्लस, ये लोग आप लिखते हैं 133.4 माइनस, हाँ सर ये कितना है 121.5, ठीक है ना। सो लैम्डा एम इन्फिनिटी ए जी आई, मतलब ए जी पॉजिटिव सी एल, ये ए जी पॉजिटिव आई निगेटिव, तो 126.9 प्लस 133.4 एंड इसको 13 के 3 तो बचा 1, है 9 10 बचा 1 6 बराबर है, ये 2 माइनस कितना है 121.5, 13 में से 5 बचे 8, ठीक है, कितने बचा था 9 8 बराबर, और यहाँ कितना था 5 3 और ये 1 बराबर है ना। तो 138.8 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स बराबर है। Therefore, the molar conductivity of AgI at infinite dilution is 138.8 ohm inverse centimeter square mole inverse. ठीक है, चलिए पॉज करके थोड़ा जल्दी नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। अगला क्वेश्चन, लिखिए कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 COOH, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हाँ सर हो गए। आगे देखिए इफ, है ना, इफ लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ NaCl इज इक्वल टू 125.5, हाँ सर 125 और सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, लैम्डा एम इन्फिनिटी एच सी एल इज इक्वल टू, एच सी एल का कितना है 420, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, लैम्डा एम इन्फिनाइट सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए इज इक्वल टू 90 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, और लैम्डा एम इनफाइनाइट सी एच थ्री सी डबल ओ एच ये हमारे को निकालना है, ठीक है, जल्दी लिखो। देखिए इसको इक्वेशन नंबर वन मान लो, ये सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड। अच्छा ये बनाना है आपको, तो क्या कंबाइन करेंगे, क्या ये मैंने थोड़ा सोचो, यहाँ से आपको एन हटा करके एच लगाना पड़ेगा, मतलब ये दोनों को कंबाइन कर लेते हैं क्या, CH3 C डबल ओ CH3 C डबल ओ
Na plus HCl to use CH3COOH plus NaCl। हाँ सर, ये कहाँ से आया? सर ये इक्वेशन नंबर थर्ड में से आया। ये कहाँ से आया? इक्वेशन नंबर सेकंड में से, प्लस टू। हाँ सर, ठीक है ना। और ये इक्वल टू किधर आ जा रहा है ना, NaCl, मतलब इसको माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, मतलब थर्ड और सेकंड को कंबाइन करना है, फर्स्ट को माइनस करना है, बराबर ना। तो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफिनिट डाइल्यूशन इज इक्वेशन नंबर थर्ड। थर्ड से क्या है सर? 90 है यहाँ पर, प्लस सेकंड 420 माइनस 125, कितना हो जा रहा है? 510 में से अपन 185 को माइनस कर रहे हैं ना, 510 माइनस सॉरी 125 को अपन माइनस कर रहे हैं 125, तो 410 और 25 कितना? 385 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देयरफॉर द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफिनिट डाइल्यूशन इज कितना है? 385 है ना, और सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, मेथड समझ में आया ना? इसको लिख सकते हैं आप कि CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव इज इक्वल टू 385 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगला क्वेश्चन नंबर जो भी है डाल दो आप, नंबर से तो कोई इतना लेन देन नहीं है, टॉपिक हमारा कंप्यूटर नंबर ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH। कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH एट इनफाइनाइट डायमेंशन मीन्स जीरो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायमेंशन बी ए ओ एच बाई टू इज इक्वल टू, ये हो गया 500 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलार कंडक्टिविटी ऑफ बी ए सी एल टू इज इक्वल टू 300 सीमन है ना सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, लिखना यूनिट बार बार। और मोलार कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन NH4Cl इज 120, ये दे दिया आपको। और मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH एट इनफिनिट डाइल्यूशन ये आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है ना। अब इसमें मेथड देखिए, डायरेक्ट आपको इक्वेशन बना के मेथड समझा रहा, ठीक है ना। ऐसा भी सकते हैं हम कि बी ए डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ओ एच नेगेटिव, उसका है ना मोलार कंडक्टिविटी इतना है, बी ए सी एल टू बी ए डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस सी एल नेगेटिव है ना, कर सकते हैं। ये इसका पूछ रहा मतलब एन एच फोर पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव का पूछ रहा है ना। देखिए रिक्वायर्ड ये है, तो क्या करेंगे आपके दोनों मिलके ये एन एच फोर ओ एच बन जाए, यहाँ से मिल जाएगा आपको एन एच फोर और यहाँ से मिल जाएगा ओ एच, तो NH4Cl, समझ में आ रहा है? इसको इक्वेशन नंबर वन दे दो, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, NH4Cl प्लस BaOH बाय टू। हाँ सर, गिव्स BaCl को, तो यहाँ आपको दो मोल लेना पड़ेगा क्योंकि Ba डायवेलेंट है ना, ओके, प्लस ट्वाइस NH4, दो NH4 है ना, दो OH, ठीक है। अब यहाँ पर जो मोलार कंडक्टिविटी निकलेगा वो ट्वाइस NH4OH का निकलेगा, फिर हम बाद में दो से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, जो आंसर आएगा तो उसको। हाँ, रिक्वायर्ड इक्वेशन समझ में आया क्या? क्या हमने सर इक्वेशन नंबर थर्ड और फर्स्ट को हमने कंबाइन किया, समझ में आ रहा क्या? यहाँ से NH4 और यहाँ से OH, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड प्लस इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कंबाइन किया, और माइनस सर हमने इसको करेंगे हम क्योंकि BaCl की इधर आ रहा है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं, माइनस इक्वेशन पर सेकंड। तो लैम्डा एम इंफिनिटी NH4OH इज इक्वल टू NH4OH इज इक्वल टू, हाँ ये निकालना है आपको, इक्वेशन पर थर्ड
ठीक है, थर्ड को हमने कंबाइन किए थे है ना, एनएच फोर सी एल, बोलिए कितना है, 120 बराबर है, प्लस कितना है 500 माइनस 300 क्या बोली, माइनस 300 ठीक है, तो कितना हो जा रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, पक्का ट्राई करो, पॉज करके नोट करो उसकी जल्दी से, 2 से मल्टीप्लाई करके देखो आप उसको एक बार, कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, किए पक्का, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वेशन में 2 मोल यूज की, कितना हमें 440 प्लस 500 माइनस 300 सॉरी 240 से हो रहे हैं, 240 बराबर, तो 200 बचे यहाँ पर, 240 कितने में 440 सो है ना, लैम्डा एम एन एच, लैम्डा एम इन्फिनिटी एन एच फोर हो गए, कितने थे ये 2 थे, सो लैम्डा एम 2 मोल थे ना, एम इन्फिनिट इज इक्वल टू 440 बाई 2 इज इक्वल टू 220 समझ में आएगा कैसा आंसर है, कितना आ जाएगा 220 बराबर, यहाँ हमने गलती से लिख दिए थे 240 हो गए, यानी यहाँ 200 बचे, 440 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 220 ठीक है, लिखिए करेक्ट आंसर, मेथड समझ में आ रहा है आपको, अच्छा यहाँ पर एन एच फोर ओ एच है, मतलब एन एच फोर पॉजिटिव प्लस ओ एच निगेटिव है ना, आयन के फॉर्म में इसी रहेगा, एन एच फोर पॉजिटिव प्लस ओ एच निगेटिव, और कॉर्नर्स लॉ से स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं एट इनफिनाइट डायमेंशन पर, ठीक है ना, पॉज करके नोट कर दो, चलिए देखिए आपका आएगा सर, पॉज क्लियर कर दिया आपने तो, ठीक है अगला देखिए, हाँ क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ BaSO4 नंबर 1 सेकंड पोटाश एलम याद है K2SO4 डॉट क्या रहता, पोटाशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 बाय 324 मोल ऑफ H2O, ये फिट करी अपन तुरटी मन तो मराठी, इसका फॉर्मूला है ठीक है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है आपको, और दे दू, हाँ सर, थर्ड AlCl3 बराबर AlCl3 देखिए यहां पर आपको Ba डायपोजिट गिवन मोलार कंडक्टिविटीज, गिवन मोलार कंडक्टिविटीज ऑफ Ba डायपॉजिटिव XSO4 डाय नेगेटिव Y K पॉजिटिव ठीक है Z Al+3 इसका हम A मान लेते हैं ठीक है ना, और Cl नेगेटिव इसको B मान लेते हैं, याद है आपको मोलार कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एक्स, मतलब यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर निकालना है तो इसको आप इसके आपको वैलेंसी फैक्टर आना चाहिए ठीक है, तो देखिए नंबर 1 एक्स कह रहे हैं इसका वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ BaSO4 इसका मोल आपको निकालिएगा, BaSO4 मतलब क्या रहेंगे, Ba डायपॉजिटिव और SO4 डाइनेगेटिव, कैसी है ना,
BaSO4 कैसे टूटेगा आयन में, Ba डाई पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी मोलर कंडक्टिविटी आपको Ba डाई पॉजिटिव की क्या दी दिया, X, SO4 की वाई दी दिया, मतलब X प्लस वाई अपॉन, अब X क्या रहता है इसमें, ये वाला X जो है टोटल चार्ज ऑफ केटायन और एनायन जिसको हम एन फैक्टर बोलते हैं, तो केटायन का चार्ज लेगा टोटल लेकर एनायन का कितना चार्ज, दो डिवाइडेड बाय टू। सेकंड है यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ है ना पोटाश, ऐलान कर देता मैं शॉर्ट में इसको है ना, तो ये कैसे टूटेगा K2SO4 डॉट Al2SO4 बाई 3 डॉट 24 मोल ऑफ H2O कैसे टूटेंगे आयन के फॉर्म में, ट्वाइस के पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव प्लस Al प्लस 3 ये दो मोल टूटेंगे है ना, प्लस है ना SO4 बाई 3 ये तीन मोल वाटर ग्रुप छोड़ दो। देखिए यहाँ पर मतलब SO4 के कितने आयन्स हैं टोटल, टोटल यहाँ पर SO4 है 4, सॉरी माइनस ही लिख दिया, माइनस 2 बराबर है। तो यहाँ पर A क्या बताया आपको, A बताया इसमें A है Al प्लस 3, B है Cl, तो नहीं इसमें K पॉजिटिव बता दिया यहाँ पर, ठीक है। तो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ किसका निकालेंगे पहले हम, K पॉजिटिव SO4 डाई नेगेटिव है ना, उसके बाद में Al प्लस 3 और थ्राइस SO4 डाई नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर मोलार कंडक्टिविटी आपको निकालने का है, फॉर्मूला क्या है इसमें K2SO4 डॉट बराबर Al2SO4 बाई 3 है ना डॉट 24 मोल ऑफ H2O अपॉन टोटल चार्ज ऑफ केटायन और एनायन, तो केटायन का चार्ज यहाँ पर 3 × 2 कितना 6 प्लस 2 8 लिख रहा, और देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर डेट लिखना चाहिए इस वैल्यूज के हिसाब से तो K कितना बताया था यहाँ पर, Z बताया था, मतलब ये रहेगा 2Z है ना, दो मोल है इसमें प्लस यहाँ पर एक एक मोल था इसलिए डायरेक्ट एक्स वाई लिखी, ए कितने मोल है दो मोल है सर, ट्वाइस ए समझ में आ रहा है प्लस, ठीक है ना, और उसके बाद में SO4 कितने हैं, चार है सर, चार SO4 और SO4 मतलब वाई, फोर वाई अपॉन एट समझ में आ, ऐसे लिख सकते हैं, ये तो बहुत डिटेल हो गया। थर्ड वाला देखिए आप क्या है यहाँ पर, Al प्लस 3 है ना, AlCl3 मीन्स ए लैम्डा ई है ना इक्विवेलेंट, और क्या रहेगा इनफिनिट डाइल्यूशन AlCl3, तो AlCl3 को कैसे तोड़ते हैं आप बोलिए, Al प्लस 3 प्लस थ्राइस Cl नेगेटिव, ठीक है ना, तो Al क्या है इसमें ए प्लस Cl कितने इसमें 3 थ्राइस बी अपॉन टोटल चार्ज ऑफ केटायन और एनायन कौन थे झाला हो गया कंप्लीट, समझ में आएगा तो कैसे किया था इसको पक्का पूछ सकते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है इस तरह वैल्यूज देखे। बस बाकी तो इसमें कुछ टॉपिक नहीं रहा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूं, लिखो द मोलार कंडक्टिविटीज ऑफ पोटेशियम एसीटेट CH3COOH HBr एंड KBr, ये आपके लिए होमवर्क है, क्लास में पूछूंगा KBr रिस्पेक्टिवली 114.4 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू, आप सेकंड देखिए
HBR is equal to 428.2 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये है 151.9 ठीक है ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। किसका मोलार कंडक्टिविटी निकालना है आपको? एसिटिक एसिड का एट इनफिनाइट एनर्जी। यहाँ पर आपको लैम्डा है ना, एम इनफिनाइट, लैम्डा एम इनफिनाइट, ये तो यूज करना ही है। कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। देखिए इसका फाइनल आंसर है 390.7, कितना है 390.7 ठीक है ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। करा दो ये भी, चलो देखो करा देगा आप। अब दूसरे क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लो, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। ये फाइनल में फाइनल आंसर बता रहे हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है, ये चाहिए हमारे यहाँ से और यहाँ से है ना, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड मिल के आएगा ना। देखिए CH3COOK प्लस HBr ग्यूस की इक्वेशन बना के दे रहा हूँ आपको, KBr प्लस CH3COOH। क्या होगा इसमें? ये तो माइनस करना पड़ेगा आपको जब इसका एक मोलार कंडक्टिविटी निकालना है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सर हम कंबाइन करेंगे और सर हम थर्ड को माइनस कर देते हैं। जी सर, ठीक है ना। तो इससे निकल जाएगा आपको मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितना है इसमें, 114.2 प्लस ठीक है 428.2 माइनस 151.9 ठीक है। सो मोलार कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन 114.2 428.2 4 है ना, 2 3 4 5 माइनस 151.9 ये 5 है ना, 0 9 4 3 ठीक है, कितना 390.7 यहाँ पर 7 बता दिए है ना, और एग्जैक्ट कितना 390.5 है ना द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ, ठीक है इसको 390.5 कर देंगे। द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज 390.5 है ना, और यूनिट क्या रहेगा इसका, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा, कौन सा वाला बताइए, कॉलरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस ठीक है ना। इसके बाद के लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा क्या इसके एप्लीकेशन, जो थ्योरेटिकल पॉइंट, हालांकि हम एप्लीकेशन समझते हैं, मैंने बताया कि एप्लीकेशन थे ये पॉइंट। उसके बाद में कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा जीरो, मोलार कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, और के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपॉन है ना अल्फा स्क्वायर सी इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपॉन वन माइनस अल्फा है ना, ये फॉर्मूला कैसा आएगा, कैसे डेरिवेशन है। तो इसका थोड़ा सा रिलेशन है आयनिक इक्विलिब्रियम से ठीक है। तो जब तक कि आप इस टॉपिक को पढ़ो, इसके बाद में फिर हम जो बताया एप्लीकेशन ये समझा दूंगा थोड़ा सा, और एप्लीकेशन के बाद में फिर उसी में उसी लेक्चर में सेल कॉन्स्टेंट और व्हीटस्टोन ब्रिज जो आप फिजिक्स में भी पढ़े और केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा ठीक है। बाय।